मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। रेल भोपाल में कल दिनांक 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर रेल भोपाल का हैबू भारतीय मजदूर संघ कोरोना मुक्त भारत के लिए सांकेतिक दौड़ आयोजित कर रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, चिकित्सा एवं शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के द्वारा हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ की जाएगी। महात्मा गांधी चौराहे जुमड़े भवन से दौड़ प्रारंभ होकर गणेश मंदिर से होते हुए पोस्ट ऑफिस से निकलते हुए गुरुद्वारे के पास होते हुए वापस महात्मा गांधी चौराहे गांधी जी की प्रतिमा के पास सब एकत्रित होंगे। ज्ञात हो कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से त्रस्त है। कोरोना मुक्त भारत तथा वैक्सीनेशन हेतु जागृत करने हेतु यह सांकेतिक दौड़ की जा रही है, जिसमें कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवा की है उनका भी सम्मान किया जाएगा। हैबू भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री विजय सिंह कठेत जी के द्वारा यह दौड़ लगातार 5 वर्षों से की जा रही है, जिसमें CISF के जवान, स्कूल के बच्चे, भेल कर्मचारी तथा गोविंदपुरा क्षेत्र के नागरिक के साथ पूरे भोपाल से लोग एकत्रित होकर इस जागरूकता दौड़ में भाग लेंगे। यह दौड़ सुबह 8 बजे प्रातः प्रारंभ होगी तथा 10 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा त्रिकूट काढ़ा डेंगू रक्षक दवाइयां माननीय श्री रामकिशोर काबरे, मंत्री आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ जागरूकता हेतु आयुष मंत्रालय के द्वारा एक प्रशिक्षित डॉक्टर की टीम लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से उपस्थित होगी। जानकारी विभाग प्रमुख कमलेश नागपुरे के द्वारा दी गई। मैं विजय सिंह कठेत, भेल भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष। हम लोग लगातार 20 वर्षों पर से यहाँ पर महात्मा गांधी चौराहे पर गांधी जी की 2 अक्टूबर को जयंती मनाते हैं। बहुत सारे ध्येय को लेकर के यहाँ पर जयंती मनाई जाती है। पिछले 5 सालों से रन फॉर भोपाल, रन फॉर BHL की थीम पर यहाँ पर जो है जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हज़ारों लोग रन में भाग लेते थे। कोरोना के चलते हुए, अभी कोरोना का पालन करते हुए सीमित संख्या में इस आयोजन को किया गया है। अभी हमारा जो थीम है, जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसको लेकर के, और साथ ही कोरोना मुक्त भारत हो, भोपाल हो, भेल हो, ये भी ध्येय रखा गया है। और इसके साथ ही पूरा भोपाल स्वच्छ हो, आसपास हमारा जो ग्रीन का जो वातावरण है, पेड़ लगाओ अभियान, वो भी हम लोग इसमें लेते हैं। और इसके साथ ही जो गरीब बस्तियां हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जहाँ समाज में जो है ज़रूरत पड़ती है, हमारा ये भारतीय मजदूर संघ वहाँ पर मदद करता है। कल की हमारी जो दौड़ है वो 3 किलोमीटर की दौड़ होने जा रही है। इसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी जो है इसमें रहेंगे, और उनका विशेष हम लोगों पे स्नेह और आशीर्वाद इस आयोजन बना रहता है। यहाँ पर लोगों को जागरूकता हेतु ये दौड़ कराई जा रही है, जिसमें कि स्वास्थ्य के प्रति भी है, कि हिट इंडिया का जो ध्येय लेकर के चल रहे हैं हम लोग। और हम जो है चाहते हैं कि भारत का जो आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने अपनी जो नीति दिखाई थी, उन्होंने अपनी शांति की, उस शांति का संदेश भी सब तरफ पहुंचे, इसलिए जो है यहाँ पर ये आयोजन किया जाता है। कल यहाँ सर कल स्वास्थ्य कैंप भी लगेगा, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर कैंप भी लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है व्यवस्था की गई है, जो काढ़ा यहाँ पर बटेगा, उसके साथ ही डेंगू की भी दवाइयाँ यहाँ पर बांटी जाएगी और लोगों को डेंगू के प्रति भी जागरूकता की जाएगी। अभी हमारे आदरणीय साथी टाउन के मैं विनोद विसे AUBMS का मंत्री पद पर हूँ। कल 2 अक्टूबर की दौड़ में कोरोना मुक्त भेल, कोरोना मुक्त भोपाल, कोरोना मुक्त भारत के उद्देश्य को लेकर BHL के 1000 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन किया है दौड़ के लिए, और कल इसके तहत ही इसी उद्देश्य को लेकर 3 किलोमीटर की दौड़ की जाएगी, और उसी के साथ साथ एक संदेश दिया जाएगा, कोरोना मुक्त भेल और कोरोना मुक्त भोपाल। सर कितने लोगों कल काढ़ा बांटने का लक्ष्य रखा हुआ? कल हमने 1000 लोगों को काढ़ा बांटने का और डेंगू की दवाई बांटने का लक्ष्य रखा। सर इसके बाद क्या घर घर भी जाके आप काढ़ा बांटेंगे क्या? अभी कल का टारगेट है 1000 का, उसके बाद की रणनीति बाद में।